सेलाकुई थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के जरिए लोगों को लूटने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इन चारों आरोपियों के पास से पुलिस को 34 सिम कार्ड, रिवॉल्वर और सरिया बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अलग अलग राज्यों में तकरीबन 7 से 8 धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह ATM में आने वाले लोगों की मदद के बहाने पिन हासिल कर कार्ड बदलकर धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। वहीं पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ये थाना सेलाकुई पर एक अभियोग हम लोगों ने पंजीत किया है, जिसमें 4 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। इन लोगों के पास कुछ ऐसा सामान, संदिग्ध सामान मिला है, जिससे कि ये धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम देते हैं यहाँ पर। तो उसमें इनके पास 34 सिम कार्ड मिले हैं, तमंचा मिला है, चाकू मिला है और सरिया। तो ये इस तरह के लोग हैं कि कोई भी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। ज़्यादातर ये भोले वाले लोगों को ATM में उनकी रैकी करके, उनका पिन पता करके, उनके साथ धोखाधड़ी करके घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो सेलाकुई पुलिस की टीम द्वारा प्रोएक्टिवली काम करते हुए अपनी चेकिंग और उसके थ्रू इन लोगों को पकड़ा है। थानाकालसी से संबंधित मैं अभी बताता हूँ आप लोगों वाला। सर, ये लोग कहाँ के हैं? बाहरी लोग हैं सर या? हाँ, ये ज़्यादातर लोग हरियाणा के हैं। इसमें हरियाणा के अलग अलग जिलों के ये लोग हैं और यहाँ पर ये